मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो उम्मत से मोहब्बत करते हैं। और आका की उम्मत से मोहब्बत क्या है? सवालात हैं, मैं इसी गुफ्तगु में उन्हीं सवालात के जवाब दे देता हूँ। मेरे आका ने अपने सहाबा से एक मतलब इरशाद फरमाया, है मेरे सहाबा तुम्हारे नज़दीक, ये उसी सवाल का जवाब दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, है मेरे सहाबा तुम्हारे नज़दीक सबसे अजीब ईमान किसका है? सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फजीलत की बात नहीं हो रही, अफजलियत की बात नहीं हो रही, सबसे अजीब आजब ईमान किसका है? अजीब तर ईमान किसका है? सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मलाइका का, फरिश्तों का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आका को आपसे कितना प्यार है, कितना प्यार है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मालहुम ला युमिनून व हुम इंद रब्बिहिम, फरिश्तों के ईमान में कौन सी अजीब बात है? वो तो अपने रब के करीब होते हैं, वो तो अपने रब के पास होते हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अंबिया का ईमान अजीब है, अंबिया का ईमान अजीब है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हम पर तो अल्लाह की वही नाज़िल होती है, ये बताओ अजीब ईमान किसका, सबसे अजीब ईमान किसका? सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका फनहनु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हमारा ईमान सबसे अजीब हो, फिर हमारा ईमान सबसे अजीब। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, तुम तो मेरे चेहरे वद्दुहा को देखते हो, तुम तो मेरे गुंगरियाले बालों को देखते हो, तुम तो मेरी काली चादर को देखते हो, बताओ सबसे अजीब ईमान किसका है? सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाह जाने और अल्लाह का हबीब जाने। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मैं बताता हूँ। हुजूर ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम, इबन माजा और मुसनद इमाम अहमद बिन हम्बल की तीन हदीसों का निचोड़ पेश कर रहा हूँ। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मुझ मोहम्मद के नज़दीक, मेरे नज़दीक सबसे अजीब ईमान मेरे उन आशिकों का होगा जिन्होंने मुझे देखा नहीं सुन रखा है। कोई था 1400 साल पहले जो मेरी मोहब्बत में रोया करता था, जो रातों को उठ उठ के उम्मत के प्यार में क्रियाउजारी करता था। हदीस का मफहूम मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सबका ईमान प्यारा है लेकिन मुझ मोहम्मद अरबी के नज़दीक सबसे अजीब ईमान मेरे उन उम्मतियों का होगा जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा, लेकिन मेरी एक झलक की खातिर, मेरे दीदार की खातिर अपनी जान माल और औलाद कुर्बान करने के लिए तैयार रहेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, मुबारक उन्हें जिन्होंने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाए, मुबारक उन्हें जिन्होंने मेरे हुसन को देखा और ईमान लाए, साथ साथ मुबारक उन्हें जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं और ईमान लाएंगे। साथ साथ मर्तबा जिन्होंने देखा उन्हें फरमाया मुबारक हो एक मर्तबा, और फिर फरमाया साथ साथ मुबारक उन्हें मेरे उन आशिकों को जिन्होंने देखा भी नहीं, देखे बगैर बंगलोर में इश्के मुस्तफा के तराने अलाप रहे हैं। साथ साथ मुबारक हो उन्हें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यार है। सवाल करने वाले मेरे भाई समझ ले, जान ले इस बात को, हमारे आका उम्मत से प्यार करते हैं और उम्मत को जानते हैं, हर हर उम्मती को जानते हैं, हर आशिक को जानते हैं।